सूरत शहर में उमरा विस्तार में रहता एक व्यापारी ना पुत्र नामे कोमिल ना अपहरण गई काले वेली सवारे गुनेगार द्वारा करवामां आव्या अने जेना अपहरण थया हता एटले कोमिल एना ज फोन उपर थी एना पिताश्री उपर फोन आयो कि 3 करोड़ रुपयानी खंडणी आपशो तो तमारा पुत्रने मुक्त करवामां आवशे। आ बनावनी जाण मळतानी साथे तात्कालिक स्थानिक पुलिस एनी साथे साथे तात्कालिक क्राइम ब्रांचनी टीम एडिशनल सीपी शरद सिंगल साहब डीसीपी श्री राहुल पटेल एसीपी श्री सरवैया आ त्रणे ने दौरवनी हेठळ टीमों बनावामां आवी अने सघन मेहनत आखा दिवस करवामां आवी। जे खंडणी माटेना फोन आया था एना अनुसंधाने फरियादीना पिताश्री नामे अनवर नूर अली दूधवाला एने 20 लाख एने 1 करोड़ रुपयानी खंडणी चूकवानुं नक्की करेल अने आ खंडणी चूकवामां आवी अने एवी रीते खंडणी चूकव्या पछी कोमिल ने मुक्त करवामां आव्या। पुलिस आ समस्त प्रक्रिया दरमियान बराबर दोरी संचार करी रही थी। आ अपहरण कोमिल ने अपाची मोटरसाइकिल ने पाछळ थी स्कोडा गाड़ीए आवीने टक्कर मारी विक्टिम पड़ी गया अने एने उपाड़ीने 4 जणाए स्कोडा गाड़ी में लई गया अने एवी रीते एना अपहरण करवामां आव्या हता। खंत मेहनत सिफतपूर्वक अने टेक्नोलॉजी ना उपयोग करीने क्राइम ब्रांच ने आगेवानी हेठळ सूरत पुलिस ने टीमोए पगेरू दबावता आ लोको सूरत रूरल विस्तार एटले बांडवी किम कोसंबा बाजू एनी मूवमेंट जणाई आवी हती। आ विस्तारों में पुलिस द्वारा नाकाबंदी पण करवामां आवी जेमां सूरत रूरल केसना लीधे तोमतदारो भागी रह्या हता अने कोसंबा ब्रिज नजीक आवानुं आ लोकोए नक्की कर्युं। एक स्कोडा गाड़ीने पुलिस द्वारा आंतरीने रोकवामां आवी एनी साथे एक पल्सर गाड़ी हती तो स्कोडा गाड़ीमांथी 3 गुनेगारो 99,14,000 रुपया साथे पकड़ी लेवामां आव्या। एक आरोपी मोटरसाइकल उपर हता एने पण पकड़वामां आव्या अने एमनी साथे एना बाकी 4 सागिर्दो सागरितो आवीने कोसंबा ब्रिज ने नजीक आ लोको मळवाना हता अने पोतपोताना भाग आ खंडणीनी रकमना लईने पछी जुदा जुदा दिशामां जता रहेवाना हता तो आर्टिका गाड़ीने पण पकड़वामां आव्यो अने आमांथी 4 गुनेगारो मळ्या। एवी रीते कुल 8 गुनेगारोने अटक करवामां पुलिसने सफलता मळी। लगभग 1 करोड़ रुपयानी चूकवेल खंडणीमांथी 99,14,000 रुपया मळ्या। बाकीना पैसा क्या छे अमने खबर छे अने आना माटे पण कामगीरी चालू छे आ पण रिकवर करी लेवामां आवशे। एक खास बात आ छे के आ बनाव माटे आ गुनेगारो खास राजस्थान धोलपुरथी तमंचा पण लईने आया था तो आ 2 तमंचाओ अने 3 कार्ट्रीज पण रिकवर करवामां आया छे। गुनाना कामे वपरायेल बन्ने कारो एटले स्कोडा अने आर्टिगा अने पल्सर गाड़ी आ पण पकड़ी लेवामां आवी छे। जे आरोपीओ अटक करवामां आया छे आ छे अजय रत्नाभाई डामला जे रहे छे हालमां भरवाड़वास
કિમ કુરસર માં અને મૂળ ભાવનગરનો રહેવાસી છે. બીજો ચિરાગ ગોપાલ યાદવ જે હાલમાં રહે છે સાયણ રોડ સુરતમાં અને મૂળ ઉજ્જૈન મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે. ત્રીજો સોનુ દેવપુરી ગોવિંદપુરી ગોસ્વામી જે હાલમાં રહે છે કાપોદ્રા ચાર રસ્તા અને મૂળ રતલામ મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે. ફૈઝાન નબી ખાન આ રહે છે સરથાણામાં અને મૂળ ધોલપુર રાજસ્થાનનો રહેવાસી છે અને હથિયાર મેળવવામાં એની મહત્વની ભૂમિકા હતી. અરવિંદ માવજીભાઈ વઢેલ આ રહે છે સૈયદપુરા માર્કેટ સુરત શહેરમાં. ઇશ્તિયાક રફીક શેખ આ રહે છે નાનપુરા સુરતમાં. ઇરશાદ ઉર્ફે છોટુ આ લાલમિયા મસ્જિદ પાસે રહે છે રામપુરામાં સુરત. અને સંતોષ ઉર્ફે સાહેદ સન ઓફ સુનિલ પાટીલ આ રહે છે એસએમસી આવાસ બોમ્બે માર્કેટ પુણા રોડ. એવી રીતે આ 8 ગુનેગારોને પકડી લેવામાં આવ્યા છે. આ 8 તોમદારોના રેકોર્ડ ચકાસણી કરતા કુલ 12 ગુનાઓ જેમાં ધાડ લૂંટ મારામારી જુદા જુદા પ્રકારના ગુનાઓ છે. 12 ગુનાઓ એના રેકોર્ડમાં જાણવા મળ્યા છે. એવી રીતે એક ગંભીર જે બનાવ બનેલ હતા પોલીસની સતત મહેનત બહુ સિફતપૂર્વક કામગીરી કરીને આ ગુના ડિટેક્ટ કરવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. આ સફળતામાં જેમ મેં અગાઉ વાત કરી મુખ્ય ભૂમિકા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જે એડિશનલ સીપી શ્રી શરદ સિંગલની ધોરણી હેઠળ કામ કરી રહી હતી, ડીસીપી શ્રી રાહુલ પટેલ, એસીપી શ્રી આર આર સરવૈયા, પીઆઈ લલિત વાગડિયા, પીઆઈ રાઠોડ, પીઆઈ બારોટ, એસઓજી પીઆઈ સુવેરા, એની સાથે સાથે સવારથી જે કામમાં હતા ઉમરા પીઆઈ શ્રી ઝાલા, ડીસીપી ઝોન 3 પણ સતત આ ટીમોની સાથે હતા. આ પ્રકારના બનાવ સુરતમાં ના બને એટલા માટે આ ઉકેલ બહુ જરૂરી હતો અને બહુ સંતોષ સાથે અમે કહી શકીએ કે પોલીસની જે અત્યાર સુધીની કામગીરી હતી જેના લીધા લગભગ વર્ષ 2020માં 19 કરતાં 47% ગુનાઓના ઘટાડો થયેલ છે. પણ આ પ્રકારના ગંભીર ગુના બન્યા અને ગણતરીની કલાકોમાં રાતોરાત અણથક મહેનત કરીને આ સફળતા પોલીસે મેળવી છે. આ વિગતવાર પોલીસની કામગીરી અને આ ગુનાના ડિટેક્શનની વાત મેં રાજ્યના પોલીસ વડા ડાયરેક્ટર જનરલ પોલીસ શ્રી આશિષ ભાટિયાને કરી, આપણા ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી એમને વાત કરી, તેઓ શ્રી તરફથી ખાસ આ ટીમ માટે પ્રોત્સાહન સ્વરૂપ 1,00,000 રૂપિયાના ખાસ ઇનામ જાહેર કરેલ છે. આ ઇનામ ફક્ત પ્રતિકાત્મક છે. તમામ અધિકારીઓ સાથે રાત્રે હું સતત સંપર્કમાં હતો. કોઈ પણ પ્રકારની થાક અનુભવ્યા વગર, કોઈ પ્રકારની તાણ અનુભવ્યા વગર આ લોકો સંપૂર્ણ મનોયોગથી જેવી રીતે કામ કરી રહ્યા હતા, મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સુરત શહેરની પ્રજા માટે પોલીસની કામગીરી અને ખંતમાં ક્યારેય કોઈ પ્રકારની ઢીલાશ આવશે નહીં અને ક્યારે પણ કોઈ આ પ્રકારના પડકાર ગુનેગારો તરફથી આવશે તો પોલીસ બહુ સક્ષમતા અને સફળતાપૂર્વક એને ડિટેક્ટ કરવામાં સફળ થશે. જય હિન્દ. સુરત શહેર કે ઉમરા વિસ્તારમાં રહેતા એક પરિવાર, પિતા કા નામ શ્રી અનવર નૂર અલી દૂધવાલા, ઇનકે પુત્ર કોમિલ જો કલ જિમ જાને કે લીએ સુબહ નિકલે થે તો લગભગ સુબહ 7 બજે
कोमिल की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारकर चार अपराधी कोमिल का अपहरण एक स्कोडा घर में करके ले गए। अपहरण के बाद कोमिल का फोन इस्तेमाल करके इन्होंने कोमिल के पिता अनवर अली नूर अली दूधवाला को फ़ोन किया और उनसे 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। इसके बारे में बार बार जो बातचीत की गई उसके अंत में 1 करोड़ रुपया देना का फैसला किया गया जिससे कि कोमिल को सुरक्षित वापस लाया जा सके। पुलिस लगातार इस प्रक्रिया में बहुत विवेक बुद्धि से काम कर रही थी। 1 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई, कोमिल को सुरक्षित वापस ले लिया गया, परंतु बहुत तरीके से मेहनत से विवेक का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस कल रात को ही इन अपराधियों को पकड़ने में सफल रही। ये अपराधी लगातार वाहन में मूवमेंट कर रहे थे, पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इस चुनौती को पुलिस ने पार किया और कोसंबा ब्रिज के पास स्कोडा गाड़ी को, जिसके साथ एक पल्सर गाड़ी भी थी, पल्सर मोटरसाइकिल थी, इन दोनों को पकड़ा गया। स्कोडा कार में से 3 अपराधी पकड़े गए, पल्सर गाड़ी पे 1 अपराधी था। इनके साथ ही फिरौती की 1 करोड़ में से 99,14,000 रुपये रकम भी उसमें से बरामद हुई। 2 देशी तमंचे उसमें से मिले, 3 कार्ट्रिज भी मिले। जैसा मैंने बताया कि बाकी तोहमतदार जो 4 थे वो इनसे मिलकर कोसंबा ब्रिज के पास इकट्ठा होके फिरौती की रकम में से अपना अपना हिस्सा लेके अलग अलग दिशाओं में चले जाने वाले थे। वहीं से आर्टिगा गाड़ी से 4 बाकी 4 गुनहगारों को भी, अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस अपहरण को अंजाम देने के लिए फैजान नाम के एक आरोपी की मदद से ये लोग भोलपुर जाके वहाँ से हथियार लेके आए थे और जो भी इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के अनुसार इन्होंने अपराध को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस मेहनत और विवेक का उपयोग करके अनेकानेक टीमों का आयोजन करके इनको पकड़ने में इस तरह से सफल रही है। सभी गाड़ियां, लगभग पूरा फिरौती की रकम और मुख्य आरोपी सभी अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो थोड़ी रकम बाकी है उसके साथ बाकी बचे एक आरोपी को पकड़ने का चक्र अभी गतिमान है। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो हैं अजय रत्नाभाई डामला, जो अभी किम में रहता है और ओरिजिनली ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, चिराग गोपाल यादव जो सायन रोड पे रहता है और मूल उज्जैन का है, सोनू देवपुरी गोस्वामी ये कापोद्रा 4 रस्ता के पास रहता है जो मूल रतलाम मध्य प्रदेश का रहने वाला है, फैजान नबी खान उस्मान जो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है, अरविंद मौजी भाई वाढ़ेल जो सैदपुरा सूरत में रहता है, इश्तियाक रफीक शेख जो नानपुरा सूरत में रहता है, इरशाद जो लाल मियाँ मस्जिद के पास रामपुरा में रहता है, और संतोष सुनील पाटिल जो SMC आवास बॉम्बे मार्केट पूना में रहता है। ये सभी आरोपी पहले भी तरह तरह के अपराधों में सम्मिलित रहे हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड जो अभी तक चेक किया गया उसके अनुसार 12 डकैती, लूट, मारामारी, इस प्रकार के 12 ऑफेंसेज इनके अगेंस्ट कुल मिला के रजिस्टर हुए हैं। पुलिस के लिए एक तरह से कल सुबह ब्लाइंड केस था जिसकी कोई लिंक नहीं था क्योंकि स्कोडा गाड़ी का कोई नंबर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरी मेहनत, अपने रिसोर्सेज को पूरे काम लगा के टेक्नोलॉजी की मदद से एडिशनल CP क्राइम श्री शरद सिंगल और DCP क्राइम श्री राहुल पटेल,
एसीपी एम आर आर सरवैया साहब, इन सभी ने मिल के बहुत सारी टीमें इसमें काम कर रही थी। लगभग क्राइम ब्रांच के हमारे सभी लोग इसमें थे, एसओजी भी थी, उमरा स्थानीय पुलिस भी कल सुबह से इस डिटेक्शन के लिए मेहनत कर रही थी। इन सब ने मिल के सफलतापूर्वक इस अपराध को डिटेक्ट किया है। यह बात मैंने डायरेक्टर जनरल पुलिस गुजरात राज्य श्री आशीष भाटिया साहब को की, गृह राज्य मंत्री श्री को भी की। उन दोनों की ओर से होम डिपार्टमेंट की ओर से 1,00,000 रुपये का खास प्रोत्साहन पुरस्कार इस टीम के लिए देने की घोषणा की गई है। बड़े संतोष के साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी तक सूरत सिटी पुलिस अपराध को कंट्रोल करने में महद अंश सफल रही है। वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग 47% अपराध कम हुए हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में कभी भी अपराध होते हैं तो पुलिस के लिए चुनौती होती है। जिस सफलता से यह अपराध डिटेक्ट किया गया, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस टीम भावना के साथ पूरा अनुभव काम लगा के इस टीम ने यह काम किया, उसी तरह से आगे भी काम होता रहेगा और सूरत शहर के नागरिक शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। जय हिंद। भूमिला अपहरण नु कारण शु हतुं? एने के रीते एने जो एनु जो अपहरण करवानो रीते प्लान की लेवो? जो अपराधी हैं उनमें से कुछ लोगों को पैसे की काफी तंगी थी। कोमल और उसके पिता के पास काफ़ी पैसा होने का इन लोगों को अंदाज था, इसलिए कोमल को आइडेंटिफाई किया गया। इनका जान पहचान का जो एक आरोपी है इरशाद उर्फ छोटू सन ऑफ शमशेर मुल्तानी, जो लाल मियां मस्जिद के पास रहता है, इसके व्यापारिक संबंध इस परिवार के साथ थे, जिसने इनको टिप दी और उस टिप के आधार पे कोमल का अपहरण किया गया। इससे ज़्यादा जब इन्वेस्टिगेशन और पूरी चीज़ें वेरीफाई कर ली जाएंगी तब हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। सर, 1 करोड़ अपहरण प्लानिंग पुलिस ने जतो कि ये लोग फैमिली जाते आप आवे तो आज 1 करोड़ जो अपनी बात है फैमिली आप जी देला એટલે એ આખી આપણી એક આખી યોજના હતી કે ફેમિલી પહેલેથી જ સેટલમેન્ટ થઈ ગયું હતું આમાં? પોલીસ સુબહ સે હી પરિવાર કે સાથ થી ઓર પોલીસ કા પહેલા ઉદ્દેશ્ય, પરિવાર કા ભી ઓબ્વિયસલી ઉદ્દેશ્ય યહી થા કે કોમિલ કો સેફ વાપસ લાયા જાય। આયોજનબદ્ધ તરીકે સે યે કામ પૂરા કિયા ગયા। સર, આ લોકો અગાઉ ક્યારેક ભેગા થયા છે જેલની અંદર કે ઉસી પે હિસ્ટ્રી હોય છે? ये लोग पहले एक ग्रुप के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, जैसा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हमें जानने को मिला है। इनमें से 2 लोग जिन्होंने सबसे पहले प्लान किया, उसके बाद उन्होंने एक और आरोपी को संपर्क किया, उस आरोपी ने बाकी लोगों को एक एक करके इनके साथ जोड़ा और इन सभी ने मिलकर इस तरह से इस अपराध को अंजाम। सर, किडनैपिंग करने क्या रखवा में आए थे पीड़ित? इसको लेके लगातार गाड़ी में घूम रहे थे, सूरत रूरल मांडवी कोसंबा केम इस अलग अलग एरिया में लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। सर, सुबह जब किडनैपिंग हुई उसको 2 या 3 बार अटेम्प्ट हुआ था उसको भिजाने का, उसको किडनैप करने का, ये सारी चीज़ें जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करेंगे हम इसके बारे में कोई गेस्ट वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि सारी चीज़ें वेरीफिकेशन मांगती हैं। इसको पूरा वेरीफिकेशन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। धन्यवाद। अधिकारी साधन, अधिकारी सिरू।